हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बटरफ्लाई वॉच इंडक्शन आरसी ड्रोन। तो गाइज आप देख सकते हैं पिंक कलर का हमारा ड्रोन है, उसी के साथ साथ ये टू वे में फ्लाई करता है। इसके साथ हमें गेस्चर कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल मिल जाता है और ये जो है एक इंडक्शन आरसी ड्रोन भी है। तो यहाँ पर है हैंडल, उसी के साथ बात करूँ पीछे की तरफ तो यहाँ पर जो है इसका ब्लू कलर वेरियंट आपको दिखाया गया है और वही सब आपको यहाँ पर शो किया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर शो किए गए हैं आपको इसके फीचर, जैसे कि इसके साथ आपको ग्रेविटी सेंसर का रिमोट कंट्रोल मिलता है, 360 रोल ही आसानी से कर लेता है, हाइट सेटिंग यानी कि एल्टीट्यूड होल्ड भी है इसके अंदर, 2.4 GHz की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है, LED लाइटें वगैरह ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बताया गया इसके कलर वेरियंट के बारे में, इसमें दो कलर मिलते हैं पिंक और ब्लू, बाकी यहाँ पर वार्निंग वगैरह लिखी गई हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं क्या करूंगा इसको यहां से कट करके ओपन कर लेता हूं। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं मेरा ड्रोन जो है लगभग बॉक्स से बाहर आ चुका है, उसी के साथ नीचे देखता हूं क्या आइटम मिलता है। तो मुझे जो है इसके साथ सबसे पहले देखने को मिल जाती है इसकी यूजर मैनुअल, इसके अंदर इस क्या क्या फंक्शन करता है ये ड्रोन, किस तरीके से आपको फ्लाई करना है गेस्चर से, वो सब आपको बताया गया है। बिगिनर हो तो आप इसको एक बार जरूर से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर है ये पोलोथीन पाउच, तो सारे सामान को पहले यहाँ पर रख लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिल जाती है ये चार्जिंग केबल। ये वाली चार्जिंग केबल क्या है, ड्रोन के अंदर जो बैटरी है उसको चार्ज करती है। तो यहाँ पर एक और चार्जिंग केबल हमें देखने को मिलती है, ये वाली चार्जिंग केबल हमारे रिमोट कंट्रोल की बैटरी को चार्ज करती है। ये सबसे बढ़िया बात है, रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको कोई भी सेल वगैरह नहीं डालने हैं, सीधा आप उसकी बैटरी चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर ये है इसका रिमोट कंट्रोल जो कि इसको इंडक्शन तरीके से फ्लाई करने में काम आता है, बाकी इसको रखते हैं साइड में। गाइज यहाँ पर ये है बॉक्स के अंदर इसका गेस्चर वाला रिमोट कंट्रोल। तो चलिए एक बारी मैं क्या है इसको आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2.4 GHz ग्रेविटी सेंसर लिखा गया है और आपको जो है इसको हाथ में कुछ इस तरीके से पहन लेना है, उसके बाद ये वाली जो बटन है आपके ये फर्स्ट फिंगर के अंदर चले जाना है, ये वाला बटन आपको दबाना है तो ये एकदम फ्लाई होगा। तो इसके भी यहाँ पे आपको बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा देनी है, तो प्रॉपर तरीके से आपको मैं लगा के बाद में दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं, तो इसको रखते हैं यहाँ पर ही रख लेते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ड्रोन जो है वो इसकी पैकिंग से बाहर आ चुका है और इसको हम रखते हैं साइड में। तो गाइज ये है हमारा क्यूट सा दिखने वाला बटरफ्लाई ड्रोन और यहाँ पर मिडल में ड्रोन बटरफ्लाई लिखा गया है। यहाँ पर है इसका ऑन ऑफ स्विच, ये जो प्रोपेलर है देख सकते हो आप, इसके चारों तरफ आपको एक अलग ही डिजाइन देखने को मिलता है जो कि इसके प्रोपेलर को प्रोपेलर गार्ड के तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर बैटरी रखी गई है। अब बैटरी की वोल्टेज रेटिंग क्या है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये बैटरी 3.7 वोल्ट 500 mAh की है जो कि लगभग इसको 8 से 9 मिनट का फ्लाइंग टाइम तो दे देगी। तो चलिए बाकी वो पता लगेगा फ्लाइंग टेस्ट में कि भाई कितनी इसकी बैटरी चलती है। तो जस्ट मैं इसको बंद कर लेता हूँ, एक बार ये आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब क्या ही बात है एकदम। तो गाइज के चारों तरफ जो है भाई लाइटें ग्लो करने लगी हैं। तो सच बताऊं गाइज ड्रोन जो है ना अभी तक तो मुझे ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन इसके चारों तरफ लाइटें देखकर तो यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रोन है, एकदम लाजवाब भाई, मजा आ गया। देख रहे हो लाइट थोड़ी मैंने कम कर दी है, बाकी देख लो वाह कमाल कमाल कमाल, जितनी मैं तारीफ करूं यार उतनी कम है। ड्रोन तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बाकी क्यूट सा ड्रोन है भाई, जिसको भी गिफ्ट करोगे ना मजा आने वाला है ये भाई साहब। तो चलिए गाइस अब बिना देरी करते हुए सीधा ग्राउंड में चलते हैं और करते हैं इस ड्रोन का फ्लाइंग टेस्ट।
वीडियो के अंदर देख ही सकते हो ये ड्रोन जो है कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके जो गेस्चर कंट्रोल्स हैं ना वो एकदम बेस्ट हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल ले रहा है, इतने अच्छे तरीके से मैं रिमोट से नहीं कर पाता हूँ। बाकी बस अपना क्या करना है, आगे जाना है तो हाथ को आगे की तरफ कर देना है, पीछे लेके आना है ड्रोन को तो हाथ को पीछे की तरफ कर देना है, दाएं बाएं सब अच्छे तरीके से कर लेता है। बस मुझे जो है इसके अंदर थोड़ी सी एक कमी, जो इसका इंडक्शन वाला पार्ट है ना, जिसको हम इंडक्शन से फ्लाई करते हैं इस वाले रिमोट से, वाइट वाले से, ये वाली थोड़ी सी कमी लगी है। इससे क्या है ये अच्छे तरीके से फ्लाई नहीं कर पाता है। बाकी गेस्चर वाले से तो यार एकदम औसम मक्खन की तरह फ्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो बाकी गाइज ये जो ड्रोन है मेरे हिसाब से आपको जरूर से बाय करना चाहिए, नया मॉडल है, नया ही डिज़ाइन है और काफ़ी औसम तरीके से फ्लाई करता है। तो बाकी गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।